फॉर्म की गंदगी से समीप रहने वाले ग्रामीण मक्खियों के कारण परेशान। हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्वारघाट पोल्ट्री फार्म गरा मौड़ा के परिसर में गंदगी फैलने से पनप रही मक्खियों से आसपास के गांव के परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मक्खियों के कारण लोगों को गरा मौड़ा गांव में किसी प्रकार की भयंकर बीमारी फैलने का डर सता रहा है। स्वारघाट पोल्ट्री फार्म के नाम से मुर्गा फार्म, जो कि हिमाचल और पंजाब की सीमा पर गरा मौड़ा नामक स्थान पर पिछले कई सालों से खुली है, तभी से पोल्ट्री फार्म के परिसर व आसपास गंदगी का आलम बना हुआ है, जिस कारण नजदीक के करीब 4 गांवों में मक्खियों का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे कि 4 गांवों के करीब सैकड़ों परिवारों को बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है। लोगों ने बताया है कि इस मुर्गा पोल्ट्री फार्म से गरा मोड़ा, खतीवाला, बगेड़ी आदि गांव में मक्खियों का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या के बारे में उन्होंने कई बार प्रदेश व जिला प्रशासन को भी शिकायत करी, लेकिन शिकायत को रद्दी समझकर कूड़ादान में डाल दिया जाता है। कोई भी चीज दिन देर कर जद मक्खी पहनती तो ज्यादा बहुत सानू शर्मिंदगी महसूस होंगी जब किसी मुझे कोई चीज लेके जाते बेनती करते हैं कि किस तरीके पोल्ट्री फार्म का कुछ किया जाए या मक्खिया का कोई समाधान किया जाए जिसे कि असी लोगों किसी वधिया चीज खिला सकी कि जिसे सानू भी परेशानी ना आए साड़ी गाहकी भी खराब होंगी मक्खिया करके और हर तरह हर के बंदे का रुजगार है जेड़े भी इतने होटल करते इस रोड से और किसी का रुजगार ना खराब हो सारे का वधिया चले आप यही बेनती करते हैं जी किस तरीका भी नाम भी यहाँ मक्खिया का समाधान सेम लाल है। मैं इतने मोड़ा पिंड अपना एन के टूरिस्ट ढाबे ढाबा चला रहा इतने सानू सब तो वह प्रॉब्लम मक्खिया की वजह न आ रही है कि साढ़े खाने का सारा समान है अभी दवाई भी इन्नी नहीं छिड़क सकते कि जिद कोई खाने वाले बंद किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो सके और मक्खिया तो अभी इन्ने परेशान है कि हर वेले सानू मक्खिया की दवाई इन्ने ध्यान ना बरतनी पैंती कि असी ये मक्खिया की जी प्रॉब्लम है ये घट्टो घट 7-8 साल तो लगातार बढ़ती जा रही है। इतने पहले बिल्कुल साफ सफाई रखते थे अपने पोल्ट्री फार्म से मक्खी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन 7-8 साल तो इन्होंने इन्नी गंदगी उत्थे फैलाई हुई है कि इन्नी मक्खी होगी साडा खाना पीना हर मतलब सानू बैठना भी मुश्किल है। सो साडे बच्चे बड़े एलर्जी होया करदी पेट च प्रॉब्लम आया करदियां मक्खी इन्नी ज़्यादा कि असी खाना खा नहीं सकते कहने का मतलब ना असी अपने किसी रिश्तेदार नू अटेंड कर सकते। कई बार असी SDM अपना स्वारघाट नू भी लिखती रूप च दे के आए हैं बिलासपुर DC साहब नू ते HP पॉपुलेशन बोर्ड नू भी दिता लिख के कोई कार्रवाई नहीं हुई आंदे है अपनी जुर्माना करके चले जाते हैं प्रॉब्लम उदा की उदा बनी रहती है। लगा लो या MP लगा लो ये सिर्फ वोटा मंगने वास्ते तो पहुँच जाते हैं लेकिन जनता की प्रॉब्लम हल करने के लिए कभी इनके पास टाइम नहीं होता है। हम जो भी यहाँ आते हैं जैसे कोई छोटा MLA या कोई और प्रधान आता है अपने एरिया का हम उनसे भी गुजारिश कर चुके हैं कि इस प्रॉब्लम का हल कीजिए किसी भी तरीके से। बिलासपुर से रसू प्रभाकर की रिपोर्ट।